वो रॉड सीधे मेरे यहाँ से और यहाँ सीधे कमर में हड्डी में इतनी जोर से लगी ना, मतलब मुझे रोना, और नीचे आई मैं रोने के लिए, इतना भयंकर लगी मेरे। और यहाँ ना स्क्रैच स्क्रैच आ रखे बहुत तेज, भरा दिया इतना, मेरे साथ इतना खतरनाक वाला एक्सीडेंट हुआ। हम दादा विद्या कसम से होला आणो लोगों ने जंगलों में आग लगा दी, लगाया आग लगी भाई, अखन आई तो मजे नहीं जंगला तो उतनी बुआली ये जंगला था और ना सामने मजे दे हां जंगला तो कर बोलर से जंगला तो हसी बोलू से हां बड़ी ने लगाए ओला आग के तभी बड़ी गल गल आई तो पानी पे भी लगाई हो ये रहा चलो जंगला। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट, हम भी एकदम बढ़िया हैं। स्वागत है आप सबका मेरे नए व्लॉग में, नए दिन के साथ, नई दोपहर के साथ। क्या गाड़ू गाड़ू आई ना, वाओ वाओ, जब तुम बोला ना खिचड़ी यार की खा भी आए, मतलब गाड़ी वो नहीं रुकाई भाई, बहन बोली बोली खिचड़ लेनी गाड़ी में ना बोल भाई बहन तो हम यार सारा चाहे उन गाड़ी में गए वही रहे अंदर ही रहे। हमारी गाड़ी चकाचक हो गई, है मेरी माटी ओ मेरु पानी हे मां, ओ ठंडी धार पानी की छलार हे मां, ओ मेरु गांव खाली को डाग को डाग बचर कितना दूर से है, अगर वो 5 किलोमीटर के ज्यादा जाते हो चार दिन बारिश आई और बारिश के बाद थोड़े से धूप लगी, लोगों ने जंगलों में आग लगा दी। ओहो ये की भयंकर आग लगी, उसको लगाई बोल बॉडी ना ले लगाया आग लगी भाई, अपन आई तो बजे नहीं जंगला तो उतनी बुआली जंगला तो थे और सामने मजे दे हां जंगला तो कर बोल और सा जंगला तो हसी बोल से हां बॉडी ने लगाए ओला आग लगी तभी बड़ी गल गल आई तो पानी पे भी लगाई हो ये रहा चलो जंगला तो कर फोन जंगला तो उते अरे वो पानी पड़ी तूने लगाया मैं बोलूं तो है तूने लगाया मैं मुझे भैंस लगा उन्होंने खुद लगाया आग। इतने घने घने चीड़ के पेड़ है ना यहाँ, इतनी शांति है, शांति। क्या आपको शांति चाहिए? शांति चाहिए?
गर्मी के लिए है, गर्मी के लिए बहुत अच्छा है यहाँ। मैं तो बहुत ही सुंदर कने जब हम आते हैं तो हाँ दो तीन लोग आते हैं तो ये काम ठंडी ठंडी यहाँ बहुत ठंडी ठंडी हवाएं हैं क्योंकि यहाँ ज़्यादा गांव नहीं है, सिर्फ जंगल जंगल ज़्यादा है। पहियर भी नहीं, मैं ही पहियर रो भी तुमको प्यार नहीं करता। अरे दादी, एक दादी क्यों रुको, ये बाहु तो नहीं करते हैं तन दादा करा कौन शोला हूँ विद्या कसम शोला हूँ हम तो नहीं करते हैं ना दादा। आज दादी घर आ गई है और हम भी दादी के साथ घर आ गए। आज फ्राइडे है, कल सेकंड सैटरडे है, परसों संडे है, तो मेरी छुट्टी है दो दिन की, इसलिए हम आज घर आ गए और दादी भी आ गई। घर आते आते ना मेरे साथ इतना खतरनाक वाला एक्सीडेंट हुआ, हम तैयार तैयार हो रखी थी यहाँ आने के लिए और मैंने सुबह कपड़े धोए थे, कपड़े कुछ बच रखे थे धूप में डालने के लिए, धूप में डालने छत में गई और छत में एक रोड थी बड़ी सी लोहे की, मेरे को नहीं पता था ये टूट रखा है और जैसे ही मैंने उसमें एक जींस डालने किया वो रोड सीधे मेरे यहाँ से और यहाँ सीधे कमर में हड्डी में इतनी जोर से लगी ना, मतलब मुझे रोना भी नहीं आया, हंसना भी नहीं आया, इधर उधर से लोग देख रहे थे छत में उधर वाले छत के और मुझे ऐसा हुआ मेरे आवाज़ तक नहीं आई, मैंने कपड़े डाले नीचे और नीचे आई मैं रोने के लिए, इतना भयंकर लगी मेरे और यहाँ ना स्क्रैच स्क्रैच आ रखे बहुत तेज तेज से, फिर वो दर्द ना जब वो मेरे पीठ में लगी ना वो रॉड तो उसका दर्द सीधे पेट से और मेरे गले तक आया, इतना भयंकर वाला दर्द हुआ उससे। मैंने कहा बड़ा हादसा होते होते टल गया, अगर सर में लगती ना तो मैं पूरा सर फट जाना था इतने खतरनाक तरीके से ना, क्योंकि वो नीचे से था उस पर सीमेंट की गोल चौखट बीम था और ऊपर से था वो रॉड और वो नीचे से ही उखड़ा और सीधे यहाँ पड़े, इतना भयंकर ना। शुक्र मनाओ भगवान जी कुछ बड़ा हादसा होते होते छोटा हादसा हुआ, ज़्यादा जोर से नहीं, फिर इतना भयंकर दर्द हुआ जब हम घर आ रहे थे तो हम बछेर से दवाई लाए लगाने की भी और खाने की भी, इतना खतरनाक तरीके से लगा ना, मैं मतलब मुझे रोना भी नहीं आया और हंसना भी नहीं आया, मुझे इतना खतरनाक, जब मैं नीचे आई कपड़े डाल के अंदर गई तब रोई मैं अंदर आके, इतना खतरनाक वाला हादसा हुआ मेरे साथ। और आज दादी भी घर आ गई है तो अब दादी घर ही रहेगी, मतलब कुछ 40-45 दिन रही होगी दादी हमारे साथ, तो अब थोड़ी थोड़ी गर्मी भी लग गई है, यहाँ आके तो ऐसे लग रहा है कि जैसे गर्मी का मौसम होगा, वहाँ तो ऐसे नहीं लगता था, दिन भर ड्यूटी रहते तो क्या लगना था, पर यहाँ आके इतना खतरनाक गर्मी का मौसम हो रखा था दिन में भयंकर वाला। तो दादी को उल्टी होती ना गाड़ी में, तो दादी को थोड़ा सा उल्टी का नशा हो रखा है, दादी ऊपर सो रखी है और कल से मैं घर की ब्लॉग बनाऊंगी, कल और परसों दो दिन घर में हूँ तो घर की ब्लॉग बनाऊंगी, और आजकल मैंने बहुत दिन से ब्लॉग नहीं डाले, दो तीन दिन हो गए हैं मैंने ब्लॉग नहीं डाला, मेरा मूड ही नहीं हो रहा था, पता नहीं क्या मेरी तबीयत भी खराब हो गई थी, मतलब सर दर्द हुआ मुझे दो तीन दिन, तो मेरा ब्लॉग बनाने का वो ही नहीं हो रहा था। तो चलो आज के इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करेंगे, आज भगवान ने बचा लिया बाल बाल। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, मैं मिलूंगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।